नमस्ते फ्रेंड, मीरा कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ में मोमोस, वेज मोमोस। तो हमने वेज मोमोस बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो गाजर ले लिया है और एक पत्ता गोभी ले लिया है। अभी हम इसको काटेंगे और यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले पहले सब्जी को काट लेते हैं। गाजर को अच्छे से छील लेंगे और अच्छे से धो करके फिर इसे काट लेंगे। गाजर को अच्छे से छीलने के बाद धो लिया है। अभी इसको छोटे छोटे टुकड़े हम काट लेते हैं। हमने यहाँ पे सब्जी में गाजर और पत्ता गोभी लिया है। आप चाहे तो मशरूम या फिर और कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। गाजर को इस तरीके से हम काट ले रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े। कैसे भी काट लें, किसी भी शेप में। अभी हम इसमें नमक मिला के रखेंगे, तो जितना इसका मॉइस्चर होगा गाजर का और पत्ता गोभी का सब निकल जाएगा। गाजर को इस तरीके से काट ले रहे हैं हम, छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से। सारी गाजर को हमने काट लिया है। अभी इसे अभी पत्ता गोभी को भी काट लेते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से, गाजर की तरह इसको भी काट लेंगे। गोभी का ये हार्ड वाला डंठल इसे फेंक देते हैं। इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब हम काटेंगे इसको छोटे छोटे पीस में। चक्कू से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था गोभी काटने में, तो हमने यहाँ पे हैंड चॉपर लिया है। इसे अच्छे से फंसा दिया है ब्लेड को। अभी इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है और इसको इसमें हम ग्रेट कर लेंगे। जल्दी भी होता है और अच्छा आसान भी हो जाएगा। आपके पास अगर हैंड चॉपर नहीं है तो हाथ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे इसको गोभी को। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रेट हुई है। तो अभी बाकी का भी कर लेते हैं इस तरीके से। गोभी को तो हमने कर ही लिया है, सोचा कि गाजर को भी कर लेते हैं। तो हमने गाजर को भी इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अभी एक बाउल में निकाल लेंगे। गाजर के साथ में पत्ता गोभी भी मिला लेते हैं और इसमें नमक मिला के रख देंगे, तो जितना सब्जी का पानी होगा वो निकल जाएगा। सब्जी का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। नमक, अच्छे से नमक को सब्जी में मिला देंगे और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। दूसरी तरफ दूसरी तैयारी करेंगे। नमक को अच्छे से सब्जी में मिला दिया है, इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम मैदा को गूंथ लेते हैं। एक कटोरी मैदा ले ली हमने, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा में नमक और तेल को अच्छे से मिला लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगा लेंगे। एक बार में पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। एक सॉफ्ट डो बनाएंगे अच्छा सा, जैसे हम नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं ना, उसी तरीके से डो लगाएंगे।
मैदे को अच्छे से मसल मसल के इस तरीके से गूंद लेंगे। जितनी ज़्यादा मसलेंगे उतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट होगा। मैदे को अच्छे से गूंद लिया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसे 8-10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। चटनी भी बनाएंगे साथ में मोमोज के, तो अभी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे चटनी बनाने के लिए कश्मीरी मिर्च ले लिए 7-8 और एक टमाटर ले लिया, 8-10 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। तो इसे हम 1-2 मिनट उबाल लेंगे पानी में। कश्मीरी मिर्च से तीखा नहीं होगा और चटनी का कलर अच्छा आएगा। लहसुन भी डाल देते हैं, टमाटर को साबुत डालेंगे हल्का सा, इसका ये चमड़ी उखड़ जाएगा तो फिर सॉफ्ट हो जाएगा तो उखाड़ लेंगे। इसे 2-3 मिनट उबाल लेंगे। टमाटर मिर्ची अच्छे से उबल गया है, अब ये इस गैस को बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम चटनी बनाएंगे। अभी हम सब्जी को देखते हैं क्या हाल है इसका। सब्जी ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है, अभी हम इसका पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। जितना एक्स्ट्रा पानी है सारा दबा दबा के इस तरीके से निकाल देंगे, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सब्जी का अच्छे से पानी निकाल लिया, ये देखिए फ्रेंड इतना सारा पानी निकला है। ये पानी फेंकें ना आप, इसमें जैसे आटा गूंदने में काम ले ले और या फिर कोई सूप वगैरह बनाए तो उसमें ले ले सकते हैं। तो अभी इसे साइड रख देते हैं। सब्जी बिल्कुल अच्छे से झरझरी हो गई है, अभी हम इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा। नमक को अभी नहीं मिलाएंगे, जब हम बनाने लग जाएंगे उसी टाइम पे नमक को मिला लेंगे। वैसे नमक इसमें सब्जी में मिला हुआ है, पानी के द्वारा थोड़ा सा निकल गया है, थोड़ा सा मिला लेंगे लास्ट में। अभी इसे साइड में रख देते हैं। आटा को देख लेते हैं एक बार और अच्छे से, इसको मसल लेंगे। एकदम सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, इसे ढककर रख देते हैं। एकदम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। मोमोज बनाने वाले हैं हम, तो अभी हम इसमें नमक मिला लेते हैं। लोई ले लिए, अभी हम इस पर मैदा लगा के बेल लेते हैं अच्छे से। ज़्यादा मोटी नहीं बेलेंगे। इस तरीके से इतनी पतली बेल लिया है। स्टफिंग को भर लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और दबाते जाएंगे। और इसे अंगूठे की मदद से सब्जी को अंदर करते जाएंगे। और लास्ट में ऐसे करके मुंह बंद कर देंगे। और इसे अगर ज़्यादा है तो निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड
इस तरीके से सारे मोमोज तैयार कर लेते हैं। दूसरा वाला भी बेल लिया है, स्टफिंग रख ली है। अब उसी तरीके से इसको भी इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सब्जी को अंदर दबाते जाएंगे। एक बार में इस तरीके से दबा देंगे। दूसरा मोमोज भी बनकर रेडी हो गया है। एक दूसरा वाला डिजाइन दिखाएंगे। स्टफिंग को रख लिया है, उसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके से आधा फोल्ड कर दिया है और आधे को इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए एक बहुत प्यारा सा डिजाइन तैयार हो गया है बन करके। तो इस तरीके से बना लेते हैं सारे मोमोज को। सारे मोमोज बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड, सारे मोमोज बना लिए हैं। अभी इनको हम स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए यहाँ पे कढ़ाई में पानी रख दिया है। अभी इसको अच्छे से थोड़ा गर्म कर लेते हैं। इस वाले बर्तन में हम स्टीम देंगे, तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। आपके पास मोमोस स्टीमर है तो उसमें बना सकते हैं। हम इसमें बनाएंगे कढ़ाई में। तो सबसे पहले इसको तेल से ग्रीस कर लेते हैं। छन्नी को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। छन्नी में एक एक करके अच्छे से मोमोस को सजा देंगे। थोड़ा थोड़ा दूरी पर रखेंगे। मोमोस को अच्छे से छन्नी में रख लिए। कढ़ाई भी पानी भी उबल गया है। अभी इसमें रख देते हैं और ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। इसे उबलने देते हैं। मोमोस की चटनी बनाएंगे। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो टमाटर की स्किन को निकाल लेते हैं। मिर्च का जो पानी है इसे फेंकेंगे नहीं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं चटनी में और इसे पीस लेते हैं अच्छे से। चटनी को पीस लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल बाजार जैसा एकदम चटनी बनकर तैयार हुआ है। तो इसे साइड में रख देते हैं। चटनी थोड़ी तीखी कम है क्योंकि हमने कश्मीरी मिर्च से बनाई है। और तो थोड़ी सी 1/4 चम्मच तीखी वाली मिर्च डाल देते हैं। अब एकदम परफेक्ट। तो फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वाह कितनी अच्छी है। देखिए मोमोज के अंदर से सब्जी भी दिख रही है, तो इसका मतलब है अच्छे से पक गए हैं। अच्छे से पक गए हैं तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। सारे मोमोज को निकाल लेते हैं। जो बाकी है अभी उसको भी स्टीम कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अभी
इन्हें भी अच्छे से सजा देंगे। देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड, तो ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। अच्छे से पक गए हैं सारे मोमोस, तो अभी हम निकाल लेते हैं। सिट 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड, तो ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। सारे मोमोस अच्छे से स्टीम हो गए हैं, तो अभी हम निकाल लेते हैं इनको। तो लीजिए फ्रेंड, बन गए मोमोस। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और यहाँ पे चटनी भी है, चटनी का कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करिएगा फ्रेंड। वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, धन्यवाद।